अभी और आप इस वक्त देख रहे हैं NBC 24। बिहार में पंचायत चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर इस चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी बीच एक सवाल ये उठा कि अगर 6 अलग अलग पदों पर होने वाले इस चुनाव की मतगणना के दौरान 2 प्रत्याशियों को एक समान वोट मिल जाते हैं, यानी कि दोनों में टाई हो जाता है, तो आखिर विजेता किसे माना जाएगा। अब चुनाव आयोग ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि कई जिलों ने आयोग से ये जानकारी मांगी थी कि अगर मतगणना के दौरान 2 प्रत्याशियों के बीच में बराबर की टक्कर हो जाए और दोनों को एक समान वोट मिल जाए तो आखिर विजेता किसे माना जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने अब इसका समाधान निकाल लिया है। बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अगर एक पद के लिए 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिल जाए तो उनके किस्मत का फैसला लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ, लॉटरी के माध्यम से। जिस प्रत्याशी के पक्ष में लॉटरी आ गई उसे एक अतिरिक्त वोट मिला हुआ माना जाएगा और उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। आयोग के सूत्रों की माने तो प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी का एक ऐसा माध्यम होगा जिससे विजेता घोषित करने का अंतिम विकल्प चुना जाएगा। लॉटरी होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी ही चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव में जीते प्रत्याशियों की सूची जिला गजट में प्रकाशित करने का आदेश देंगे। इसके साथ ही इसकी एक कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग एवं पंचायती राज निदेशक को मुहैया कराया जाएगा। अगर प्रत्याशी या उनका चुनाव एजेंट मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है या फिर दोबारा मतगणना की मांग करता है तो इसके लिए उससे लिखित आवेदन की मांग की जाएगी। आवेदन लिखित लेने के बाद ही दोबारा से मतगणना के लिए कुछ आधार की मांग भी की जाएगी। ये आवेदन निर्वाचित पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा। बता दें कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब महज एक दिन का समय बच गया है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की देखरेख में सभी जिलों में प्रशासन पंचायत चुनाव कराने के लिए तत्परता से लगा हुआ है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। संभावित उम्मीदवार भी अब चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और आवश्यक कागजातों को जमा करने के साथ ही उनकी जनता में पैठ बनाने का काम भी शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग बिहार में 24 अगस्त को चुनाव की घोषणा कर सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग अपने स्तर पर सभी जिलों में जरूरी तैयारियों को लेकर जानकारी ले रहा है। आपको बता दें कि इस बार 24 सितंबर से लेकर 29 नवंबर तक 9 चरणों में पंचायत चुनाव किए जाने हैं। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।